नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। लेबर कोड का जो हम लोगों ने नया सीरीज शुरू किया है, उसमें कोड ऑन वेज 2019 कंप्लीट हो गया है। उसके कुल 7 वीडियोस आए हैं, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 69 तक जितने भी सेक्शन हैं उनको डिटेल से एक्सप्लेन किया गया। आज से हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है 2020 का, IR कोड 2020 इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाता है, क्योंकि एक एक सेक्शन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मेरा प्रयास है कि अगर आपने कभी भी लेबर लॉ नहीं पढ़ा हो, तब भी आपको समझने में दिक्कत ना हो इन वीडियोस को देखने के बाद, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो राष्ट्रीय श्रम आयोग दूसरा वाला बना था, सेकेंड लेबर कमीशन, वो सेकेंड लेबर कमीशन कब बना था? ये आपको बना था अक्टूबर 1999 में। 99 में आपको दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग यानी सेकेंड लेबर कमीशन बना था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? रिपोर्ट इसने अपनी दी थी जून 2002 में। इस रिपोर्ट में ये कमीशन बना था रविंद्र वर्मा की अध्यक्षता में। इस रिपोर्ट में इसने कहा था कि जितने भी लेबर लॉ हैं, इनमें कई सारे शब्द हैं जो बार बार परिभाषित हो रहे हैं, और उन परिभाषाओं में थोड़ा बहुत अंतर है। कई सारे कानून हैं जो एक जैसी ही प्रकृति के हैं, इसीलिए इनको एमलगमेट करने की आवश्यकता है, समुच्च करने की आवश्यकता है। और उन्होंने कहा कि इसको आप 5 हिस्सों में समुच्च कीजिए, जिसमें एक था उनका औद्योगिक संबंध, दूसरा था आपको मजदूरी, तीसरा था आपको सामाजिक सुरक्षा, चौथा था आपको सुरक्षा, और पांचवा था कल्याण एवं कार्य की दशाएं। यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, वेज, सोशल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो नए 4 कोड आपको बनाए गए हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है आपको, औद्योगिक संबंध, ये उसी सुझाव के आधार पर फिर इसको एक अलग संहिता के रूप में परिभाषित किया गया, औद्योगिक संबंध संहिता 2020। यह संहिता जो है आपको राष्ट्रपति की सहमति 28 सितंबर 2020 को प्राप्त कर चुका है, और उसके बाद जो है ये नोटिफाई हो गया है गजट में, लेकिन अब ये लागू नहीं है। सरकार इसके लिए एक अलग डेट निकालेगी। संहिता का पूरा नाम है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इसको यदि हम हिंदी में कहें तो औद्योगिक संबंध संहिता 2020। अब जैसा कि इसका ऑब्जेक्टिव कहता है कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड एमेंड द लॉज रिलेटिंग टू ट्रेड यूनियंस, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। यानी कि ट्रेड यूनियन के बारे में, कंडीशन ऑफ सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और उसके बाद जो है सेटलमेंट, किसी प्रकार का डिस्प्यूट का होता है तो इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इन 3 बातों को ये समाहित करने का प्रयास करता है श्रम संघ के संबंध में। नियोजन का जो स्थिति है, नियोजन का जो शर्त है, उसके हिसाब से फिर कैसे चल रहा है, जिसको कि हम लोग स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में पढ़ते थे पूर्व में। और तीसरा है इन्वेस्टिगेशन करना, जाँच करना, सेटलमेंट करना, समझौता पे लाने का प्रयास करना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 3 अलग अलग एक्ट जो हैं इसमें मर्ज किए गए हैं। एक है आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ये अधिनियम इसमें मर्ज किया हुआ है। दूसरा अधिनियम इसमें मर्ज किया गया है कौन सा? ट्रेड यूनियन एक्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट कब का था? ये 1926 का है।
इसको व्यवसाय संघ अधिनियम या श्रमिक संघ अधिनियम हम लोग बोलते हैं, व्यवसाय संघ अधिनियम। तो ये दूसरा मर्ज किया, और तीसरा इसमें मर्ज किया है कौन सा, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, जिसको हम लोग कहते हैं औद्योगिक नियोजन अस्थाई आदेश अधिनियम 1946। ये तीन अधिनियम को इसमें मर्ज किया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा, आईडी एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। अब इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो यह अधिनियम जो है एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया, पूरे भारत में यह अधिनियम जो है सो विस्तार किया गया है इसका। जैसा कि हम जानते हैं कि कई सारे एक्ट पूर्व में लिखा रहता था जम्मू कश्मीर को छोड़ के, लेकिन वो बात अब आज के समय में नहीं रहा। इस एक्ट का पूरा नाम यहाँ क्या दिया गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। तो ये शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम हो गया, एक्सटेंड कहाँ तक और कमेंसमेंट कब से प्रभावी होगा। तो यहाँ पर शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट अपॉइंट। अब यहाँ पर भी यही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार ऑफिशियल गजट में जिस दिन से कहेगी कि यह संहिता लागू हो रही है उस दिन से लागू होगा, यानी आज की तिथि में संहिता लागू नहीं है। गजट में जब यह नोटिफाई होगा कि ये 1 अप्रैल से, अब 1 अप्रैल तो बीत गया, मान के चलिए 1 मई से लागू होना है तो 1 मई से यह लागू हो जाएगा, या कोई डिफरेंट डेट्स भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन के लिए चाहे तो केंद्र सरकार रख सकती है। अब इस अधिनियम का, इस कोड का जो है संहिता का दूसरा सेक्शन है वो है परिभाषा से संबंधित। अब इस परिभाषा के संबंध में हम लोग जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है, ऐसे तो बहुत सारे शब्दों को परिभाषित किया गया, जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला है आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, समुचित सरकार। अगर आपने हमारा कोड ऑन वेज का वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें आपको समुचित सरकार को परिभाषित किया है। इस डिफिनेशन में भी, इस परिभाषा में भी जो है आपको समुचित सरकार उसी प्रकार से परिभाषित किया गया। ये खासियत इस बार कोड में कि सारे शब्दों को एक जैसा ही परिभाषित किया गया है, ताकि चारों कोड में भी आपस में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ कहता है कि समुचित सरकार कौन होगा, तो वैसा इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, औद्योगिक स्थापना या उपक्रम जहाँ, जो कि केंद्र सरकार की अथॉरिटी में है, या फिर रेलवे हो गया, आपको यहाँ भी केंद्र सरकार समुचित सरकार होगा, मेट्रो रेल में भी, जिसके अंतर्गत मेट्रो रेल भी सम्मिलित होगा, माइंस, खदान, ऑयल फील्ड, तेल क्षेत्र, मेजर पोर्ट्स, प्रमुख पत्तन जो है, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, संचार, बैंकिंग एवं इंश्योरेंस कंपनी, कॉरपोरेशन। उसके अलावे सेंट्रल एक्ट से किसी भी प्रकार का यदि कोई एस्टैब्लिशमेंट बना है तो वो सारे एस्टैब्लिशमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या उससे जुड़ी हुई जो सहायक कंपनियां होंगी वो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एस्टैब्लिशमेंट या उनके जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे उस एस्टैब्लिशमेंट के, वो सब जो है कॉरपोरेशन वगैरह सब जो है सो उन जगहों पर केंद्र सरकार जो है समुचित सरकार होगी। अब यहाँ एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, व्याख्या की गई है, और व्याख्या करके बताया गया है कि जब ये संहिता चालू हो जाएगी उस समय मान लीजिए कोई उपक्रम केंद्र सरकार के पास था, और संहिता के प्रारंभ होने के बाद, इस कोड के स्टार्ट होने के बाद, कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, यदि उसका शेयर आपको 50% से कम हो जाता है, रिड्यूसेस टू लेस देन 50%, तो उस स्थिति में भी वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। यानी कि कोड के प्रारंभ होने के बाद यदि किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का प्रतिशत जो है हिस्सेदारी केंद्र सरकार की उसमें जो है वो 50% से कम भी हो जाए, तब भी वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग केंद्र सरकार के अंतर्गत ही होगी, यानी समुचित सरकार उसके लिए केंद्र सरकार ही होगा इस कोड के प्रयोजन के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है कि इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, और जो बचे हुए एस्टैब्लिशमेंट है उनके संबंध में क्या है, इंक्लूडिंग स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो स्टेट PSU सब्सिडरी कंपनी जो उनसे सेटअप हुआ है, और ऑटोनोमस बॉडीज ऑन और कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं वो सब के मामले में स्टेट गवर्नमेंट जो है समुचित सरकार होगी। सीधी सी बात है, जहाँ केंद्र सरकार समुचित सरकार नहीं है उन सब जगहों पर छोड़ करके राज्य सरकार को समुचित सरकार बनाया गया है।
अब इसका प्रोविजो जो है वो कहता है कि यदि मान लीजिए किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है किसके बीच में, कॉन्ट्रैक्टर्स एवं कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बीच में, यानी कि जो ठेकेदार है, संवेदक है और उनके जो वर्कर हैं, कामगार हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट होता है, तो ऐसी स्थिति में, और वो पहली बार ऐसा डिस्प्यूट अराइज हुआ है, पहली बार हुआ हो, तो यदि किसी स्थापना में, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में इस प्रकार का डिस्प्यूट होता है, तो उस केस में जो उस स्थापना पे अंतिम कंट्रोल रखता है, विच हैज द कंट्रोल ओवर सच इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, जो भी उस पर कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है, वही उसका जो होगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जो भी इस पर नियंत्रण रखेगा वो उसका समुचित सरकार होगा। यहाँ आर्बिट्रेटर को डिफाइंड किया गया है, आर्बिट्रेटर मतलब होता है आपको मध्यस्थ, जो आपको मध्यस्थता करते हैं किसी भी मामले में, और कहा गया है कि आर्बिट्रेटर इंक्लूड्स एन अंपायर, यानी मध्यस्थ के अंतर्गत जो है अधिनिर्णायक भी शामिल होंगे। इसके बाद यहाँ एवरेज पे, यानी कि जो औसत भुगतान है, मजदूरी है, उसको भी डिफाइंड किया गया है, औसत भुगतान या मजदूरी। तो यहाँ औसत मजदूरी के रूप में परिभाषित करते हुए क्या बताता है कि मींस द एवरेज ऑफ द वेज पेबल टू वर्कर इन केस ऑफ मंथली पेड वर्कर, जहां पर कि वर्कर को हम लोग महीना के हिसाब से पेमेंट करते हैं प्रत्येक महीना, द थ्री कंप्लीट कैलेंडर मंथ, तो उस केस में एवरेज किसका हो जाएगा, तीन कैलेंडर मंथ का, यानी लास्ट तीन महीने में जो है आपको जो उसको भुगतान हुआ है उसको तीन से भागा दे करके हम लोग उसका एवरेज पे निकाल देंगे। इसका जरूरत कई बार होता है आपको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन या ले ऑफ वगैरह के केसेस में, आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका जरूरत पड़ेगा, अभी इसको समझ लेना है। इन केस ऑफ वीकली पेड वर्कर, अब जहां पे आप उसको साप्ताहिक भुगतान करते हैं, तो उस केस में फोर कंप्लीट वीक, यानी चार वीक में जो उसको आपने पेमेंट किया होगा साप्ताहिक भुगतान में, लास्ट चार वीक में उसका एवरेज निकाल देंगे, ठीक है, उसको चार से भागा दे देंगे। और इन केस ऑफ डेली पेड वर्कर 12 फुल वर्किंग डे, लगातार 12 वर्किंग डे में, लगातार जरूरी नहीं है लेकिन लास्ट 12 वर्किंग डे में, 12 फुल वर्किंग डे, कंप्लीट वर्किंग डे में जो उसको पेमेंट हुआ होगा दैनिक मजदूर के केस में, उस पेमेंट को 12 से भागा देकर के हम लोग उसका एवरेज निकाल देते हैं, एवरेज बेस। तो एवरेज पे निकालने के लिए महीना वाले के केस में तीन महीना काउंट करते हैं कि लास्ट तीन महीने में, लास्ट जो तीन महीना उसने काम किया उसका तीन से डिवाइड कर लेंगे, जितना भी पेमेंट मिला उसको तीन से भागा दे देंगे, वो उसका एवरेज हो जाएगा। वीकली में लास्ट चार वीक को ले लेंगे और डेली पेड में लास्ट 12 वर्किंग डे को लेकर के हम लोग निकालते हैं। और यहाँ एक कंडीशन दिया है कि वेयर सच कैलकुलेशन कैन नॉट बी मेड, और मान लीजिए ये जो तरीका है अगर यहाँ पे कहीं भी लागू नहीं हो पा रहा है, किसी कारण से दिक्कत हो रही है इस प्रकार से कैलकुलेशन करने में, द एवरेज पे शैल बी कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ द वेज पेबल टू द वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड ही एक्चुअली वर्क, तो ऐसी स्थिति में जितने दिन उसने वास्तविक रूप से काम किया है उसको डिवाइड कर देंगे उसके डेज से और उस हिसाब से हम लोग उसका एवरेज वेज निकाल लेंगे। मान लीजिए डेली पेड वर्कर था और उसने 6 वीक ही काम किया है, तो उसमें तो हम यहाँ पे कंडीशन दिए कि 12 वीक में जो काम किया उसे डिवाइड करना, अब 6 वीक ही काम किया तब तो इस कंडीशन से निकलेगा नहीं, चूंकि डेली पेड वर्कर या मंथली पेड वर्कर है, उसने अभी तक 1 महीना ही काम किया है, तो ऐसी सारी स्थितियों में जो है उसको हम लोग एक्चुअली जितना उसने वर्क किया है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज से और निकालेंगे। अब अगली परिभाषा आपको है अवार्ड की, तो अवार्ड को परिभाषित करते हुए क्या क्या, अवार्ड को कहते हैं हम लोग अधिन निर्णय, ठीक है, तो अवार्ड को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि इंट्रिम और फाइनल डिटर्मिनेशन, यानी कि अंतरिम और अंतिम अवधारणा, अंतरिम और अंतिम अवधारणा किसी बात की, किसके द्वारा, बाय ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेटिंग देयर टू बाय इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, किसी भी औद्योगिक विवाद या उससे संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स का या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का, जो अलग अलग सेक्शन में परिभाषित है इस कोड के अंतर्गत, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेक्शन 44 में डिफाइंड है और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेक्शन 46 में डिफाइंड है आगे चल के, तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स का अंतिम और अंतरिम और अंतिम जो अवधारणा होगा किसी भी औद्योगिक विवाद या उससे संबंधित मामलों में, उसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, अधिनिर्णय कहेंगे,
और इसके अंतर्गत जो है क्या शामिल है, आर्बिट्रेशन अवार्ड मेड अंडर दिस सेक्शन, और इसके अंतर्गत जो है मध्यस्थ के द्वारा जो किया गया निर्णय होगा आर्बिट्रेशन, उस मध्यस्थ का जो अंतिम अधि निर्णय होगा वो भी शामिल हो जाएगा अवार्ड में। यानी कि अगर आर्बिट्रेटर अगर कोई डिसीजन देता है तो वो भी अवार्ड कहलाएगा। यानी कि अगर कोई मध्यस्थ जो है वो अंतिम डिसीजन कोई देता है तो उसको भी हम लोग अवार्ड कहेंगे, और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो भी हो वो जो कोई अंतिम निर्णय देते हैं तो वो भी अवार्ड कहलाएगा। यहाँ आपको एक बात मैं बता दूं कि लेबर कोर्ट जो पहले हुआ करते थे 1947 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत, उनको अब जो है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन में समाप्त कर दिया गया, अब केवल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स को रखा गया। एक है सर्टिफाइंग ऑफिसर, ये सर्टिफाइंग ऑफिसर किसके रिलेटेड है, सर्टिफाइंग ऑफिसर्स मीन्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार द्वारा जिसको नोटिफिकेशन के जरिए अपॉइंट किया गया टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर अंडर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 4। चैप्टर 4 का जो प्रोविजन है वो आपको रिलेटेड है किससे, स्टैंडिंग ऑर्डर से। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है और ये क्यों महत्वपूर्ण है हम लोग आगे चैप्टर 4 के समय में समझेंगे। तो स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड चैप्टर में सर्टिफाइंग ऑफिसर की आवश्यकता होती है जो उसको सर्टिफाई करता है एस्टैब्लिशमेंट के स्टैंडिंग ऑर्डर को, तो इसीलिए वो जो ऑफिसर जो उसमें नोटिफाइड होगा वही सर्टिफाइंग ऑफिसर कहलाएगा। क्लोजर, क्लोजर टर्म जो है आपने पिछले वाले कोड में भी पढ़ा होगा, क्लोजर यानी कि इसको हम लोग कहते हैं बंदी। बंदी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मीन्स परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ ए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयर ऑफ, किसी भी नियोजन स्थल का प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का परमानेंट अस्थायी रूप से बंद हो जाना, या फिर नियोजन स्थल का पूरे नियोजन स्थल का या फिर पार्ट देयर ऑफ या उसके किसी हिस्से का, यानी किसी भी नियोजन स्थल या उसके किसी भाग का अस्थायी रूप से बंद हो जाना ही जो है आपको क्लोजर है, बंदी। कंसिलेशन ऑफिसर, ये भी आपने शब्द सुना होगा कई बार, जो कि समझौता पदाधिकारी हम लोग कहते हैं, मीन्स ए कंसिलेशन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 43, सेक्शन 43 में इसके बारे में जिक्र किया गया और उसके तहत जिस अफसर को नियुक्त करने की बात की गई है, और उस अफसर के द्वारा यदि किसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है, प्रोसीडिंग की जाती है इस कोड के तहत, तो उसको हम लोग कहते हैं कंसिलेशन प्रोसीडिंग। अब अगली परिभाषा है आपको इम्प्लॉय की, जिसके बारे में आप जानते हैं कि हमने आपको कोड ऑन वेज में भी बताया था, इम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी। कर्मचारी के अंतर्गत किसको रखा गया है, मीन्स एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अदर देन अप्रेंटिस, अप्रेंटिस एक्ट के तहत जो नियुक्त किया गया है उस व्यक्ति को छोड़ करके जो कि नियोजित है कहाँ, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में क्या करने के लिए, टू डू एनी स्किल्ड यानी कि कुशल, सेमी स्किल्ड यानी कि अर्धकुशल, अनस्किल्ड यानी अकुशल, मैनुअल हाथ से काम करने वाला ऑपरेशन, किसी प्रकार का कार्य करने वाला ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी यानी पर्यवेक्षकी काम करने वाला, मैनेजरियल यानी कि प्रबंधन में हेल्प करने वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में उसके काम करने वाला, टेक्निकल हो सकता है तकनीकी रूप से या क्लर्कियल वर्क के लिए, फॉर हायर और रिवार्ड, भाड़ा पर जो है या वेज पर जो भी है वो नियोजित किया गया। वेदर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जहां पर कि जो नियोजन की शर्तें हैं वो आपको क्या है, एक्सप्रेस्ड है, क्लियर की गई है कि भाई ये काम करना है, या समझी जाती है, विवक्षित है। एंड ऑल्सो इंक्लूड द पर्सन डिक्लेयर टू बी एन एम्प्लॉय बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और समुचित सरकार यदि किसी व्यक्ति को जोड़ दे कि भाई ये भी आएगा एम्प्लॉय में तो वो आ सकता है इस परिभाषा के अंतर्गत, बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन जो होंगे उनके किसी भी मेंबर को एम्प्लॉय के रूप में नहीं रखा गया। अब जो नेक्स्ट परिभाषा है वो आपको किसका है, नियोजक का। कर्मचारी की परिभाषा हमने देख लिया है, अब आपको कहते हैं हम नियोजक को परिभाषित किया गया है यहाँ कि नियोजक का मतलब क्या हो गया, मीन्स ए पर्सन हु एम्प्लॉय, जो नियोजित करता है, किसको नियोजित करता है, कर्मचारी को, एम्प्लॉय को, वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी पर्सन, यानी कि वो तो खुद कर सकता है या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू वो अपने व्यक्तियों को नियोजित कर सकता है, और ऑन हिज बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, अपने बिहाफ में किसी अन्य व्यक्ति के बिहाफ में नियोजित करता है, वन और मोर एम्प्लॉय, एक व्यक्ति को भी वो अगर रखता है तो एम्प्लॉयर हो जाएगा और वर्कर, एम्प्लॉय और वर्कर, एम्प्लॉय और वर्कर को इस कोड में चाहे कोड ऑन वेज में भी अलग अलग परिभाषित किया गया है, तो अगर वो एक भी कर्मचारी या कामगार को रखता है तो एम्प्लॉयर माना जाएगा,
इन हिज एस्टेब्लिशमेंट। तो ऐसी स्थिति में यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट है तो अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने जिसको स्पेसिफाई कर रखा है जिस अथॉरिटी को, वो उसका नियोजक होगा। और जहां इस प्रकार का अथॉरिटी स्पेसिफाइड नहीं है उस स्थिति में जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो स्वयं नियोजक हो जाएगा। एंड इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट कैरिड ऑन बाय लोकल अथॉरिटी, और यदि किसी स्थानीय प्राधिकार के द्वारा कोई एस्टेब्लिशमेंट चलाया जा रहा है तो उस स्थिति में जो है कौन होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जो है वो आपको जो है यहाँ पर मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी ये आपको जो है सो यहाँ पर एम्प्लॉयर हो जाएगा। एंड इंक्लूड्स, और उसके अलावे फैक्ट्री एक्ट के तहत जो है ऑक्यूपायर जो होगा फैक्ट्री का वो आपको यहाँ पर नियोजक माना जाएगा। फैक्ट्री एक्ट चूंकि आज के समय मैंने बताया भी आपको कि कोड ऑन ओएसएच में मर्ज हो गया है तो यहाँ पे उस हिसाब से आपको आगे चेंज किया जाएगा। अभी फिलहाल यही लिखा हुआ फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 2 के क्लॉज एन के तहत जो ऑक्यूपायर होगा वो उसका जो है सो, या फिर जो मैनेजर होगा जो उसमें प्रोविजन किया गया है क्लॉज एफ ऑफ द सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 के तहत, तो ऑक्यूपायर या मैनेजर वो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर माना जाएगा। इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट पर्सन और द अथॉरिटी विच हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, जो कि जो वैसा कोई व्यक्ति या प्राधिकार जो कि अल्टीमेट कंट्रोल रखता है, अंतिम रूप से उस एस्टेब्लिशमेंट के सारे बातों पर नियंत्रण रखता है, या फिर उसने उस तरह का नियंत्रण करने का जो शक्ति है वो किसी मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स को दे दिया, तो ऐसी स्थिति में वो मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर जो भी हो उनको भी यहाँ पर नियोजक माना जाएगा। यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो वो भी यहाँ पर नियोजक के रूप में जोड़ा गया है। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, जो वैधानिक रूप से उसके उत्तराधिकारी होंगे किसी भी एम्प्लॉयर के उसके मरने के बाद, तो ऐसी स्थिति में उस एम्प्लॉयर के वैधानिक उत्तराधिकार भी जो है एम्प्लॉयर के रूप में ही माने जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कोई फैक्ट्री का कोई ऑक्यूपायर है या किसी एस्टेब्लिशमेंट का वो एम्प्लॉयर है और उसका मृत्यु हो गया, ऐसी स्थिति में उसकी लायबिलिटी कौन देगा वर्कर्स को जो भी पेमेंट करना है या और भी चीजें, तो ऐसी स्थिति में लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उसके होंगे वो मालिक माने जाएंगे। अब यहाँ एक और परिभाषा दिया गया है, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी कि नियत अवधि नियोजन, ठीक है। इस टर्म को आप फिर देखेंगे चैप्टर 4 में जहाँ स्टैंडिंग ऑर्डर की बात की गई है। नियत अवधि नियोजन का मतलब यही समझ लीजिए कि जो परमानेंट पोस्ट होता है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ की उसको ऐसे वर्कर रखने हैं जो परमानेंटली काम करे, अगर वो उस जगह परमानेंट वैकेंसी को फिल नहीं करता है और कॉन्ट्रैक्ट पर किसी एम्प्लॉय को रखता है एक निश्चित अवधि के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उसको हम लोग नियत अवधि नियोजन या फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यदि वो परमानेंट वैकेंसी के अगेंस्ट में रखता है उसको, तो मीन्स द एंगेजमेंट ऑफ वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 1 साल जो भी हो, तो अगर वो इंगेज करता है वर्कर को, कामगार को रिटन एग्रीमेंट के थ्रू, रिटन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उस एम्प्लॉयमेंट में एक निश्चित अवधि के लिए, तो वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा प्रोवाइडेड दैट। और इसमें कुछ बातों को क्लियर किया गया कि हिज आवर ऑफ वर्क, वेज अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट्स शैल नॉट बी लेस देन द परमानेंट वर्कर डूइंग सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, यानी कि जो अस्थायी कामगार है पूर्व से उस पद पर काम कर रहे हैं उस अस्थाई कामगार को जो भी आप वेज देते हैं, जो भी उसका आवर ऑफ वर्क है, जो भी उसको भत्ता दिया जाता है, उस सब बेनिफिट जो है उसको भी उसी प्रकार का उसी सेम बेनिफिट दिया जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा अस्थाई कामगार में और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले में। उसके बाद ही शैल बी एलिजिबल फॉर ऑल स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स, जो स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स हैं जैसे आपको पीएफ होता है उसकी कटौती वगैरह करना, ईएसआई की कटौती करना, या अगर कोई उसको और भी स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स अवेलेबल हैं जो कि परमानेंट वर्कर को आप देते हैं, उसी प्रकार का स्टैट्यूटरी बेनिफिट आपको फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले वर्कर को भी देना है। एंड रेंडर्ड बाय हिम इवन इफ हिज पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट डज नॉट एक्सटेंड टू क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड इन दिस स्टेटस, यानी कि मान लीजिए आपने शर्त रखा है कि कम से कम साल भर हमारे यहाँ जो काम करेगा उसको जो है हम स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स देंगे, तो ऐसी स्थिति में ये जो आपने रखा है पीरियड वो यहाँ पर
मैंडेटरी नहीं होगा। अगर आप फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में किसी को रखते हैं तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में जैसे ही आप रखना शुरू किए उसी दिन से आपको ये स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स, ये जो भी अवेलेबल बेनिफिट्स है परमानेंट वर्कर के लिए, वो आपको देने होंगे। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट कहता है कि ही शैल बी एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी इवन इफ ही Even if he renders services under the contract for a period of 1 year, ये बहुत important point है कि यहाँ पे gratuity का जो limit हो गया वो आपको क्या हो गया, contract period का 1 साल। यानी fixed term employment के स्थिति में अगर कोई साल भर भी काम करता है तो उसको gratuity मिलेगा। ये बहुत important point है। ऐसे तो gratuity के लिए हम जानते हैं कि 5 year का limit है, लेकिन for fixed term employment 1 year का भी contract होगा तो वो आदमी जो है gratuity का हकदार हो जाएगा। अब अगली परिभाषा जो है वो आपको है सेक्शन 2P इंडस्ट्री की, यानी उद्योग की। उद्योग का परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोड का नाम ही है, औद्योगिक संबंध। तो औद्योगिक संबंध में पहले उद्योग को हम समझ लें, नहीं तो फिर उद्योग में जो नहीं आएंगे उस पर ये कोड लागू नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री मीन्स एनी सिस्टेमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय कोऑपरेशन बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड वर्कर, यानी कि नियोजक और कामगार के बीच में जो है आपसी सहयोग के द्वारा किसी भी प्रकार की जो है कार्यकलाप, सिस्टमिक एक्टिविटी जो है सो संचालित किया जाता है, सुनियोजित कार्यकलाप जो है सो संचालित किया जाता है। वेदर सच वर्कर इज एम्प्लॉयड बाय सच एम्प्लॉय डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी इंक्लूडिंग ए कॉन्ट्रैक्टर, और वो वर्कर जो है उस एम्प्लॉयर के साथ जो है अटैच्ड है कैसे, या तो खुद वह एम्प्लॉयर ने उसको हायर कर रखा है या फिर वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू गया हुआ हो। तो दोनों स्थिति में, मतलब वर्कर उससे किसी भी स्थिति से जुड़ा हुआ हो, किसके लिए जुड़ा हुआ है, फॉर प्रोडक्शन सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो वर्कर प्रोड्यूस्ड कर रहा है, उत्पादित कर रहा है, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है गुड्स का, माल का या सर्विसेज का, सेवाओं का, दोनों स्थिति हो सकती है। विथ ए व्यू टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स और विशेस, जो मानवीय आवश्यकता है, मानवीय इच्छा है, उनको पूर्ति करने के लिए। चावल चाहिए आपको तो चावल बनाने वाली जो कंपनी है उसमें वो काम कर रहा है तो मानवीय आवश्यकता होगी। चाहे आपको जूता चाहिए तो जूता बनाने वाली जो कंपनी है उसमें कामगार काम कर रहे हैं, तो जो मानवीय आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर उन आवश्यकताओं को छोड़ दिया गया, किन आवश्यकताओं को, जो कि आपको स्पिरिचुअल और रिलीजियस नेचर के हैं, यानी कि जो धार्मिक प्रकृति के कार्य हैं या दार्शनिक प्रकृति के कार्य हैं, जो इस तरह के जो एस्टैब्लिशमेंट है जहाँ इस प्रकार का विश पूरा किया जाता है, आप जाते हैं और आप योग साधना ये सब करते हैं, तो उनको छोड़ करके वैसे सारे एस्टैब्लिशमेंट्स को इंडस्ट्री के अंतर्गत कवर्ड किया गया है। और उसके बाद लिखा वेदर और नॉट, जिसमें ये बातें हो चाहे नहीं हो वो इंडस्ट्री में आएंगी। कौन सी बातें, एनी कैपिटल हैज बीन इन्वेस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ केयरिंग ऑन सच एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को संचालित करने के लिए कोई कैपिटल जो है पूंजी जो है लगाया गया हो चाहे नहीं लगाया गया हो, या सच एक्टिविटीज कैरिड ऑन विद ए मोटिव टू मेक एनी गेन और प्रॉफिट, या फिर वो जो एक्टिविटी है जो काम हो रहा है वो प्रॉफिट या गेन के मोटिव से किया जा रहा हो या नहीं भी किया जा रहा हो। यानी कि इससे कोई मतलब नहीं बनता है कि आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं या बिना प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। तो जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कई सारे होते हैं तो वो भी यहाँ पर इस परिभाषा के अंतर्गत कवर्ड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बट डज नॉट इंक्लूड, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कुछ को छोड़ दिया है। बट डज नॉट इंक्लूड्स कौन, इंस्टीट्यूशन ओन्ड और मैनेज बाय ऑर्गेनाइजेशन होली और सब्सटेंशियली इंगेज्ड इन एनी चैरिटेबल सोशल और फिलेंथ्रोपिक सर्विसेज, जो कि चैरिटेबल सर्विसेज होते हैं, दान वगैरह देने से संबंधित, लेने से संबंधित, या फिर सामाजिक कार्य को करते हैं, सोशल और फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज करते हैं, उस तरह के संस्थानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। धर्मार्थ जो संस्थान है उनको जोड़ा नहीं गया है। एनी एक्टिविटी ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिलेटेबल टू द सबवर्जन फंक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ऑल द एक्टिविटीज कैरिड ऑन बाय डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विद डिफेंस रिसर्च एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ये सारे प्लेसेस हैं डिफेंस से रिलेटेड, जैसे DRDO वगैरह हो गया, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हो गया BARC वगैरह, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसरो वगैरह, इन सब तरह के जो इंस्टीट्यूशन है उनको इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के तहत इंडस्ट्री नहीं माना गया है, या फिर समुचित सरकार की वैसी एक्टिविटी, वैसे कार्य क्रियाकलाप जो कि संबंधित है किससे,
उसके सॉवरेन फंक्शन से, उसके प्रभुत्व संपन्न अधिकार से जुड़ा हुआ हो, वो सारे क्रियाकलाप जो है आपको इंडस्ट्री के अंतर्गत परिभाषित नहीं किए गए। एनी डोमेस्टिक सर्विसेज, जो घरेलू सेवाएं हैं, घरेलू कार्य हैं, उनको जो है सो इसमें शामिल नहीं किया गया। एनी अदर एक्टिविटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ सरकार ने अपने पास पावर रख लिया, और कौन से सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्टेट को पावर नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर है कि वो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को डिक्लेयर कर सकता है कि ये इंडस्ट्री नहीं है। और जैसे ही वो एस्टेब्लिशमेंट डिक्लेयर हो जाएगा इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ ये कोड अपने आप जो है सो लागू नहीं होगा, क्योंकि ये कोड वहीं लागू होगा जो इंडस्ट्री होगा वहाँ। अब जब इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया, तो फिर उसके बाद इंडस्ट्री में कौन से विवाद हैं उसके संबंध में भी जो है सो परिभाषा दी गई कि भाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हम किसको कहेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब आप समझते ही हैं, औद्योगिक विवाद। तो औद्योगिक विवाद के संबंध में कहा गया है कि एनी डिस्प्यूट, किसी भी प्रकार का विवाद, एनी डिस्प्यूट किसी भी प्रकार का विवाद और डिफरेंस, मतभेद किसके किसके बीच में, बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके किसके बीच के विवाद को हम औद्योगिक विवाद में रखते हैं, बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, नियोजक नियोजक के बीच में। यानी कहने का मतलब कि एक कंपनी में कई सारे नियोजक अगर हों, कई लोगों का उस पर कंट्रोल हो, तो ऐसी स्थिति में यदि उनके बीच भी विवाद हो जाए तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आएगा। और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर, यानी कि नियोजक और कामगार के बीच में, ज्यादातर हम लोग के मामले में यही बातें देखने को मिलती है, नियोजक और कामगार के बीच का विवाद, लेकिन नियोजक नियोजक के बीच का विवाद भी इसमें आता है, और कामगार कामगार के बीच का विवाद भी जो है, वर्कर और वर्कर के बीच में अगर विवाद हो जाए तो वो भी आपको औद्योगिक विवाद की श्रेणी में आता है। Which is connected with the employment or non-employment, जो जुड़ा होगा किससे, कंसर्न होगा employment से, नियोजन या अनियोजन से जुड़ा हुआ है, जो कि उसका नियोजन हुआ, नियोजन की कुछ शर्तें होंगी, उन शर्तों में अगर कोई परिवर्तन होता है या उन शर्तों के हिसाब से कामगार और नियोजक के बीच में कुछ मतभेद होता है या अनियोजन होता है किसी भी स्थिति में, उसका नॉन एम्प्लॉयमेंट होता है। और टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट या नियोजन की जो शर्तें हैं उसके संबंध में, और विथ द कंडीशन ऑफ लेबर of any person and which includes any terms of employment or with the condition of labor, यानी कि नियोजन की शर्तें या श्रम की दशाओं से संबंधित, श्रम की दशाएं जैसे कि आपको जो उसकी भौतिक दशाएं हो सकती है, जो उसके हेल्थ वगैरह को प्रभावित कर सकती है, नियोजन की जो शर्तें हो सकती है, छुट्टी की बात हो सकती है, इंक्रीमेंट की बात हो सकती है, या फिर और भी एचआर वगैरह से रिलेटेड कोई भी बात नियोजन की शर्तों से संबंधित, ऑफ एनी पर्सन एंड इंक्लूड्स एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन, और ये इसके अलावा इसमें क्या जुड़ा हुआ है, एंड इंक्लूड्स, और किसको जोड़ता है, ये समाहित करता है एनी डिफरेंस और डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल वर्कर एंड एम्प्लॉयर। अब चूंकि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वर्कर, यहाँ पे लिखा हुआ एम्प्लॉयर्स एंड बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, कोई एक नियोजक और कई सारे कामगारों के बीच का विवाद हो सकता है। और यदि कोई व्यक्तिगत विवाद हो, व्यक्तिगत विवाद कहने का मतलब कि एक कोई सिंगल कामगार जो है उसका नियोजक के साथ विवाद है, तो मान लीजिए कोई सिंगल कामगार है राम और उसका नियोजक के साथ विवाद है, तो वो किस स्थिति में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा, तो उसके लिए कंडीशन दिया गया है कि बिटवीन इंडिविजुअल वर्कर एंड एम्प्लॉयर कनेक्टेड विथ और अराइजिंग आउट ऑफ डिस्चार्ज डिसमिसल रिट्रेंचमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सच वर्कर। ये चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी चाहिए, कि इन चार पॉइंट पर आकर के वो जो है कामगार का विवाद जो है व्यक्तिगत कामगार का अधिक विवाद हो जाएगा। पहला डिस्चार्ज, दूसरा डिसमिसल, तीसरा रिट्रेंचमेंट और चौथा है और टर्मिनेशन। यानी कि किसी भी कामगार को अगर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, पदच्युत कर दिया जाता है, उसके पद से हटा दिया जाता है, उसको रिट्रेंच कर दिया जाता है, उसकी छटनी कर दी जाती है, उसकी सेवा की समाप्ति कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्तिगत कामगार का विवाद भी जो है आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आ जाएगा, यानी औद्योगिक विवाद के तहत माना जाएगा। यानी औद्योगिक विवाद को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, एक तो ग्रुप ऑफ वर्कर्स हो और एक इंडिविजुअल हो, ठीक है। तो इंडिविजुअल केस में चार पॉइंट आ गया आपको, डिस्चार्ज है, सेवा उन्मुक्ति है, डिसमिसल है आपको यानी कि पदच्युति कर दी गई है, रिट्रेंचमेंट है यानी कि छटनी कर दी गई है, और टर्मिनेशन है यानी सेवा समाप्ति या पर्यवसन कर दिया गया है। तो ये चार बातें होंगी तो वो इंडिविजुअल डिस्प्यूट भी जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। और उसके अलावा ग्रुप ऑफ वर्कर्स के बीच में नियोजन या अनियोजन को लेकर के कोई विवाद हो, या फिर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कंडीशन ऑफ लेबर को लेकर के कोई विवाद हो, किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट और डिफरेंस हो,
तो वो जो है सो आपको वर्कर्स के बीच में जो है सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के श्रेणी में आ जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है वो आपको है ले ऑफ का। ले ऑफ का मतलब हम लोग समझते हैं कि इसको कहते हैं हम लोग काम बंदी, ले ऑफ या लेड ऑफ भी कई बार इसको कहते हैं। इसीलिए यहां लिख दिया गया है कि विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सप्रेशंस, जो भी इसके कई सारे वर्ड होंगे उन सबको यहाँ पे समाहित करते हुए ले ऑफ शब्द को परिभाषित किया गया है। मीन्स द फेल्यूर रिफ्यूजल और इनेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ कोल पावर और रॉ मटेरियल और एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक और द ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी और नेचुरल कैलेमिटी और फॉर एनी अदर कनेक्टेड रीजन टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू ए वर्कर हुज नेम इज ब्रॉन ऑन द मस्टर रोल ऑफ हिज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एंड Who has not been retrenched? यानी कि वैसा कामगार जिसका कि नाम कहाँ पर दर्ज है, मास्टर रोल में जिसका नाम दर्ज है और जिसको कि छटनी नहीं किया गया है, जिसको कि आपने निकाल नहीं दिया है बाहर कंपनी से, वैसा कामगार को अगर आप काम देने में कौन असमर्थ हो जाए, नियोजक अगर काम देने में असमर्थ हो जाए किन कारणों से, ऑन अकाउंट ऑफ क्या शॉर्टेज ऑफ कोल, मान लीजिए कोयला की कमी हो गई, पावर नहीं है, सप्लाई नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है ताकि उत्पादन हो, या स्टॉक बहुत ज़्यादा बना हुआ अभी बिक ही नहीं रहा है तो ऑलरेडी इतना बना हुआ है बना के और एक्स्ट्रा क्या किया जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, मशीनरी वगैरह खराब हो जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, आपदा आ गया, और या किसी भी रीजन से अगर वो काम देने से असमर्थ हो जाता है तो उसको हम जो है सो ले ऑफ में काउंट करते हैं, कामबंदी उसको कहते हैं। यानी इसमें गलती कामगार की नहीं है, हालांकि नियोजक की भी एग्जैक्ट पर्सनल गलती नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति है कि उसको काम को बंद करना पड़ रहा है। अब यहाँ कुछ बातों को परिभाषित किया गया है कि यदि कोई कामगार जिसका कि नाम आपको मास्टर रोल में दर्ज है, जिसका कि आपको मास्टर रोल में नाम दर्ज है और वो किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में अपने कार्य के समय पर उपस्थित होता है, अपना जो भी उसका कार्य का समय है, दिन का, टाइम का, रात का, जो भी पाली है, वो उपस्थित होता है अपने कार्य के लिए एंड नॉट गिवन, और उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा विद इन 2 आवर ऑफ हिज सो प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ। अब जब वो उपस्थित हुआ उसके 2 घंटे के अंदर उसको काम नहीं मिल रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, सेल बी डीम्ड टू हैव बीन लेड ऑफ, तो उसको जो है सो लेड ऑफ में समझा जाएगा विद इन फॉर दैट डे विद इन द मीनिंग ऑफ दिस क्लॉज। इस क्लॉज के अंतर्गत उस दिन के लिए उसको जो है कामबंदी के रूप में माना जाएगा, समझा जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा प्रोविजो क्या कहता है कि यदि किसी कामगार को, मान लीजिए नियोजक ने शुरू से ही कह दिया कि आपको जो है सेकंड हाफ में आना है, सेकंड हाफ शिफ्ट में आना है, पहले हाफ शिफ्ट में आपके पास मेरे लिए काम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो जो है 1 हाफ डे के लिए जो है लेड ऑफ में समझा जाएगा, मतलब कि आधे दिन के लिए उसकी कामबंदी मानी जाएगी क्योंकि नियोजक ने उसको सेकेंड हाफ शिफ्ट में ही बुलाया था। और अगर मान लीजिए कि इस स्थिति में जबकि उसको सेकेंड हाफ डे के लिए बुलाया गया और फिर भी उसको काम नहीं दिया गया, provided further that if he has not been given any such employment, even after so presenting himself, he shall not deemed to have been laid off for the second half. तो ऐसी स्थिति में second half के लिए laid off में नहीं माना जाएगा, कामबंदी में नहीं माना जाएगा और उसको जो है सो फिर उसको full basic wage और जो भी महंगाई भत्ता वगैरह मिलती है उस part of day के लिए उसको दिया जाएगा। एक परिभाषा है आपको लॉकआउट का। लॉकआउट को कहते हैं हम लोग तालाबंदी। तालाबंदी जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्ट्राइक होता है वो कामगारों के द्वारा होता है और तालाबंदी जो होता है वो आपको नियोजक करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है लॉकआउट को परिभाषित करते हुए कि टेम्पररी क्लोजिंग। एक तो हो गया क्लोजर बंदी, जो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का या उसके किसी हिस्से का परमानेंट रूप से क्लोजिंग हो जाए, यहाँ परमानेंट नहीं है, यहाँ टेम्पररी क्लोजिंग है, यानी अस्थायी रूप से इसको बंद किया गया है तत्काल झगड़ा झंझट की स्थिति में। क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द सस्पेंशन ऑफ वर्क और द रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू द एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड बाय हिम। यानी कि आपने अस्थायी रूप से किसी भी कार्यस्थल को बंद कर दिया या आपने कार्य देने से मना कर दिया या कार्य को सस्पेंड कर दिया, रोक दिया, निलंबन कर दिया, तो ऐसी स्थिति में नियोजक के द्वारा जो नियोजित कामगार हैं उनको अगर ये सब स्थितियों में काम नहीं दिया जाएगा इस प्रकार से तो उनको लॉकआउट कहा जाएगा। यानी कि कामबंदी में काम नहीं दिया जाना एक अलग स्थिति है, वहाँ कामगार जानबूझ के ऐसा नहीं करता, ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, जबकि लॉकआउट में जो है कामगार जानबूझ करके नियोजक को काम नहीं देते हैं, वो अस्थायी रूप से वर्क प्लेस को बंद कर देते हैं। जब बंदी होगी तो कंप्लीट बंद हो गया, उस समय फिर नियोजक का
उस वर्कर का जो है उसमें कोई नियोजन ही नहीं रह जाता है, कंप्लीट क्लोजर हो जाता है। तो ये तीनों में अंतर आपको समझना होगा। अब एक शब्द है आपको रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट को हम लोग कहते हैं छटनी। अब बंदी, कामबंदी, छटनी, ये सब शब्द जो है आपको बार बार इन सब में अंतर भी पूछा जाता है, तो इसको समझ लीजिए। रिट्रेंचमेंट मीन्स द टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विसेज ऑफ एन वर्कर फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, किसी भी कारण से टर्मिनेट कर देना उसको, पर्यवेक्षण कर देना, उसके कार्य को समाप्त कर देना। किसके द्वारा? नियोजक के द्वारा। किसको? वर्कर को। वर्कर के काम को समाप्त कर दिया यानी उसको नौकरी से आपने हटा दिया। अदरवाइज देन ए पनिशमेंट इन्फ्लिसिटेड बाय द वे ऑफ द डिसिप्लिनरी एक्शन बट डज नॉट इंक्लूड्स। और इसके को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, कि यदि कोई पनिशमेंट दिया गया था उस पर किसी डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत, अनुशासनिक कार्रवाई के तहत, उसने कोई ऐसा काम किया जिसके लिए उसके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई चली और उसको पनिशमेंट दिया गया और हटाया गया, तो उसको हम रिट्रेंचमेंट नहीं कहते हैं। उसके अलावा किसी भी स्थिति से अगर उसको हटाया जाएगा तो वो रिट्रेंचमेंट आएगा, बट डज नॉट इंक्लूड। कुछ बातें इसमें फिर जोड़ दी गई कि इनको रिट्रेंचमेंट के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, क्योंकि रिट्रेंचमेंट के अंतर्गत रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दिया जाता है, तो जो आएगा उसी में मिलेगा, जो रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा उसमें रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो उसमें जैसे कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट ऑफ द वर्कर है, अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया वर्कर ने, तो उसको भी जो है छटनी नहीं माना जाएगा। रिटायरमेंट ऑफ वर्कर ऑन रीचिंग द एज ऑफ सुपरन्यूएशन, मान लीजिए 60 साल के एज पर रिटायर होना है, वो एज पहुंच गया और आपने उसको हटा दिया, तो ऐसा नहीं कहेगा वो कि मेरी छटनी हो गई। और उसके बाद है कि टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द वर्कर एज ए रिजल्ट ऑफ नॉन रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर, मान लीजिए कामगार और नियोजक के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्क जो है सो इस्टेब्लिश्ड था, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दोनों वर्क पर थे, और ऐसी स्थिति में उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया, एक साल या तीन साल जितने दिनों के लिए था उसके बाद बढ़ाया नहीं गया, तो उसको हटा देंगे, ऐसी स्थिति में उसको रिट्रेंचमेंट नहीं मानेंगे। जैसे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में जो टर्म है वो कंप्लीट हो जाए, जैसे मैंने बताया कि परमानेंट वर्क के अगेंस्ट कई बार कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को रखते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में, तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में जितना समय था उसके बाद उसको बढ़ाया नहीं गया, तो सर्विस जो है टर्मिनेट हो गई, ऐसी स्थिति में आपको उसको नहीं मानेंगे रिट्रेंचमेंट। या लगातार कंटिन्यूड इल हेल्थ के आधार पर, लगातार उसका स्वास्थ्य खराब रह रहा है, बुरे स्वास्थ्य के कारण यदि उसको हटाया जाता है तो उसको भी यहाँ पर रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। एक परिभाषा आपको है सेटलमेंट का, जिसको हम लोग कहते हैं समझौता। जैसे मैंने आपको बताया था एक टर्म था अवार्ड अधिनिर्णय और एक टर्म है समझौता सेटलमेंट, तो इन दोनों में अंतर आप समझ लीजिए। अवार्ड जो है आपको ट्रिब्यूनल्स या आर्बिट्रेटर्स के थ्रू मिलता था, यहाँ पर सेटलमेंट कौन करते हैं? कंसिलेशन ऑफिसर करते हैं कंसिलेशन प्रोसीडिंग के दौरान। मीन्स सेटलमेंट्स अराइव एट द कोर्स ऑफ कंसिलेशन प्रोसीडिंग, जो समझौता पदाधिकारी हैं जब वो सुलह कार्रवाई करते हैं उस समय जो आपस दोनों पक्ष समझौता करते हैं, एंड इंक्लूड्स ए रिटन अग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर arrived at otherwise than in a course of the conciliation proceeding। और ऐसे में जो है वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में जो है कैसा एग्रीमेंट होता है? रिटन एग्रीमेंट होता है। Where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed। और वो जो एग्रीमेंट होगा दोनों पार्टी के द्वारा, यानी कौन से पार्टी? वर्कर और एम्प्लॉयर के द्वारा साइन किया जाएगा, किस प्रकार से, किस तरीके से, वो रूल में प्रिस्क्राइब किया जाएगा। एंड ए कॉपी thereof has been sent to the officer authorized in this behalf by appropriate government and to the conciliation officer। और वो जो आपस में समझौता किया जाएगा उसकी एक कॉपी जो है appropriate government द्वारा जो इस काम के लिए authorized officer होंगे उनके पास, और जो conciliation officer होगा जो समझौता पदाधिकारी होगा उसके पास जो है सो भेजा जाएगा। नेक्स्ट है आपको स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर जो होता है अस्थाई आदेश, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अस्थाई आदेश। के मतलब हुआ यहाँ पर जो शेड्यूल वन में बातें लिखी गई है, मीन्स ऑर्डर रिलेटिंग टू मैटर सेट आउट इन फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची में जो भी बातें बताई गई है वो सब स्टैंडिंग ऑर्डर में, वो सब बातें जो है स्टैंडिंग ऑर्डर में आएगी। अब ये क्या है हम लोग जब चैप्टर चार पढ़ेंगे तो उसको डिटेल करेंगे। नेक्स्ट टर्म है आपको स्ट्राइक यानी कि हड़ताल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई बार आपको अंतर पूछता है कि हड़ताल और तालाबंदी में क्या अंतर है, तो हड़ताल बनाम तालाबंदी को मैंने आपको बता दिया है लॉकआउट। अब यहाँ हड़ताल को समझ लीजिए, तो यहाँ कहता है कि सिजेशन काम का बंद कर दिया जाना, किसके द्वारा? सिजेशन ऑफ वर्क बाय बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन, सामूहिक रूप से किसी भी नियोजन में सामूहिक रूप से काम को बंद कर देना, या फिर काम लेने से इनकार कर देना आपसी सहमति से, आपसी समझौते के तहत।
और उसके बाद कहता है एंड इंक्लूड्स द कैजुअल लीव ऑन गिवन डे बाय 50% और मोर वर्कर एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री, 50% या उससे ज़्यादा कामगार अगर कैजुअल लीव पे चले जाते हैं किसी इंडस्ट्री में एक ही साथ आपसी समझौता के तहत आपसी सहमति से, तो उसको भी यहाँ पर जो है आपको स्ट्राइक यानी हड़ताल माना गया है। अब जो इम्पोर्टेंट एक परिभाषा इसमें है वो है आपको ट्रेड यूनियन की। ट्रेड यूनियन यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं, हालांकि कॉमनली इसको लोग श्रमिक संघ कहते हैं लेकिन एक्चुअल हिंदी इसका होता है व्यवसाय संघ। तो व्यवसाय संघ या श्रमिक संघ को परिभाषित किया गया है यहाँ पर कि एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्पररी और परमानेंट, अस्थाई या अस्थाई किसी भी प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है संयोजन है, फॉर प्रिमली फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस से किस उद्देश्य से वो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, समूह बनाया गया, रेगुलेटिंग द रिलेशंस बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर्स यानी वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच के संबंधों को विनियमित करने के लिए, बिटवीन वर्कर एंड वर्कर्स यानी वर्कर कामगार और कामगार के बीच के संबंधों को विनियमित करने के लिए, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स यानी नियोजक और नियोजक के बीच के संबंधों को विनियमित करने के लिए, एंड फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस या किसी भी ट्रेड या बिजनेस व्यापार है उस पर रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन इम्पोज करने के लिए, निर्बंधात्मक शर्तों को अधिरोपित करने के लिए, एंड इंक्लूड्स एनी फेडरेशन ऑफ टू और मोर ट्रेड यूनियंस और यहाँ पर दो या दो से अधिक ट्रेड यूनियंस के फेडरेशन को भी जोड़ा गया तो वो भी ट्रेड यूनियन में आएगा। यानी कि वर्कर्स के एसोसिएशन भी ट्रेड यूनियंस हो सकते हैं, वर्कर एम्प्लॉयर का एसोसिएशन भी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का एसोसिएशन, ये सब जो है सो व्यवसाय संघ के अंतर्गत आएंगे। और इसके तहत फिर से इसको और स्पष्ट करते हुए प्रोवाइड किया गया है, प्रोविजन बनाया गया है कि प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3 जो ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ चैप्टर है इस कोड का, वो प्रभावित नहीं करेगा किसको, कोई भी एग्रीमेंट जो समझौता है करार है किसके बीच में, पार्टनर्स एज देयर ऑन बिजनेस, किसी भी बिजनेस में जो पार्टनर हैं उनके बीच का समझौता या एग्रीमेंट बिटवीन किसके किसके बीच में, एम्प्लॉयर एंड दोज एम्प्लॉयड बाय हिम एज टू सच एम्प्लॉयमेंट, नियोजक और उनके द्वारा जो नियोजित कामगार हैं उनके बीच जो काम की कार्य की शर्तों को लेकर के, नियोजन की शर्तों को लेकर के एग्रीमेंट है, या एनी एग्रीमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ सेल ऑफ द गुडविल ऑफ बिजनेस और इंस्ट्रक्शन इन एनी प्रोफेशन ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट। यानी कि जो भी बिजनेस है उसके गुडविल के दृष्टिकोण से किसी प्रकार का जो है सो एग्रीमेंट किया गया है तो ये सारे एग्रीमेंट जो है इस ट्रेड यूनियन के जो चैप्टर 3 है उससे प्रभावित नहीं होंगे। उसके अलावा ट्रेड यूनियन के अंतर्गत जो है वर्कर्स वर्कर के बीच में, वर्कर्स एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर्स के बीच में अच्छे संबंधों को बनाने के लिए किया गया और अस्थायी या अस्थायी समायोजन आएगा। जैसे कि कोड ऑन वेज में वेज को परिभाषित किया गया था, यहाँ भी आपको जो है वेज यानी कि मजदूरी को परिभाषित किया गया है। मजदूरी की परिभाषा यहाँ पर एग्जैक्टली सेम है जो कि आपको कहाँ था, कोड ऑन वेज में था। तो मैं यहाँ पे अब उसको डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा होगा, कोड ऑन वेज के वीडियो में जाके आप मजदूरी की परिभाषा को वहां से देख सकते हैं। वर्कर की जो परिभाषा है, कामगार की जो परिभाषा है, वो भी आपको कोड ऑन वेज में जो कामगार की परिभाषा थी उसी के समान है, बस एक थोड़ा सा अंतर है। अगर आपको वो सारे वीडियोस देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। वर्कर में बस एक थोड़ा सा अंतर क्या किया है, इन्होंने सुपरवाइजरी कैपेसिटी में जो ड्रॉ करते हैं वेज उसके लिमिट को बढ़ा दिया है, और उसके लिमिट को बढ़ा दिया है कितने तक, 18,000 रुपीज तक कर दिया है बढ़ा करके, जो कि कोड ऑन वेज में 15,000 रुपीज था उसको यहाँ इन्होंने बढ़ा करके 18,000 रुपया कर दिया। यानी 18,000 रुपया तक यदि कोई व्यक्ति पाता है तो वो वर्कर की श्रेणी में आएगा यदि वो सुपरवाइजर कैटेगरी में भी है। हालांकि यहाँ एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर 3 यानी जो चैप्टर 3 है इसका ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, वर्कर्स मींस ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन ए ट्रेड और इंडस्ट्री, चूंकि वहाँ संघ बनाना है तो संघ बनाने के दृष्टिकोण से वहाँ यदि वर्कर को डिफाइंड किया गया तो सभी कामगार आ गए, यानी सुपरवाइजरी हो या उसमें कितना भी लिमिट हो वो सब। इंक्लूड्स द वर्कर डिफाइंड अंडर क्लॉज एम ऑफ सेक्शन 2 ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये एक्ट भी आज के समय OSH में मर्ज हो गया, वहाँ भी वर्कर्स अनऑर्गेनाइज वर्कर को डिफाइंड किया गया है, तो उस तरह के भी वर्कर जो है वो वर्कर माने जाएंगे। किस चैप्टर के पर्पज से, ट्रेड यूनियन के पर्पज से, यानी इसलिए ये रखा गया कि ट्रेड यूनियन यदि बनाया जाएगा तो उसमें सभी तरह के वर्कर्स को जो है उसमें इंक्लूड कर लिया जाए, वहाँ पर फिर ये 18,000 वाली सीलिंग वगैरह की बात ना आए। तो ये डेफिनेशन सेक्शन में आज इतना ही, हम लोग अगले सेक्शन में फिर इसके नेक्स्ट चैप्टर को देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।